री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा रेपो रेट की दर को 5.4 से बढ़ा करके 5.90 कर दिया गया है। इसके क्या निहितार्थ हैं, इस चीज को अगर हम मुख्य परीक्षा और इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें दो तीन पॉइंट बनता है जिसे इंटरकनेक्टेड करके जोड़ने, देखने और समझने की जरूरत है। नंबर एक यह है कि रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्यों बढ़ाया गया और इसको बढ़ाने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर इन तीनों चीजों को इंटरकनेक्टेड करके हम लोग देखते हैं तो ये समझिए कि रेपो रेट के बारे में जानकारी ही नहीं मिलेगी बल्कि अर्थव्यवस्था के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगी जहां पर आरबीआई के द्वारा लिए गए निर्णय का निरंतर जो है और लगातार जो है प्रभाव पड़ता है और अक्सर इस तरीके की चीजों में जो है परिवर्तन किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, एक बात यह है कि इसका फुल ये शॉर्ट फॉर्म होता है रीपरचेज ऑप्शन रेट होता है, रीपरचेज ऑप्शन रेट इसको कहा जाता है। और इसका मतलब रीपरचेज का मतलब यह हो गया कि फिर से खरीदना, यानी कि रेपो रेट जो है भारत की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत ऋण लेने की एक युक्ति है, एक माध्यम है जिसके द्वारा वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है अल्पकालीन ऋण लिए जाते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्पकालीन ऋण लिए जाते हैं और दूसरा जो दीर्घकालीन ऋण होता है ये जो है इसे बैंक दर के नाम से जाना जाता है। जब आरबीआई अपने किसी भी वाणिज्यिक बैंक को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दीर्घकालीन ऋण देता है तो वो दर जो होती है वो बैंक दर कहलाती है, जबकि अल्पकालीन जो ऋण दिए जाते हैं वो रेपो रेट से जो है संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रेपो रेट एक माध्यम है, एक युक्ति है जिसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक या कोई भी जो है औद्योगिक संस्थान या जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है आरबीआई के थ्रू अल्पकालीन ऋण लेता है और यह ऋण एक प्रतिभूति के माध्यम से होता है। यहाँ पे एक नया शब्द आ रहा है प्रतिभूति, सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें ऋण लेने और देने से संबंधित समस्त जो है बातें लिखी गई होती हैं और इसका अनुपालन करते हुए आरबीआई के द्वारा दिया जाता है और वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा लिया जाता है। एक निश्चित समय के अंतर्गत इससे संबंधित जो है सारी चीजें, सारी शर्तें जो है पूरी करनी होती है, तो ये होता है प्रतिभूति। इसके माध्यम से यानी कि इस पर लिखी गई समस्त बातों का अनुपालन करते हुए वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा लिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण जिस दर पर दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, रिपो रेट कहलाता है, रिपर्चेज ऑप्शन रेट। यानी कि प्रतिभूतियों की इस तरीके से जो है की गई, प्रतिभूतियों की इस तरीके से की गई बिक्री जिसमें यह विकल्प सम्मिलित होता है कि भविष्य में उसे रिपर्चेज यानी कि पुनः खरीद लिया जाएगा, उसे कहा जाता है रिपो रेट। यह एक थोड़ी सी सैद्धांतिक परिभाषा है लेकिन इसको भी जानना आवश्यक है। व्यवहारिक स्तर पर अगर आप देखा जाए तो केवल इतना ही जानना आवश्यक है कि वह दर जिस पर आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है और अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है और बैंक के संदर्भ में यानी कि आरबीआई के जो है द्वारा लगातार इकोनॉमी में लिक्विडिटी को जो कंट्रोल करने के लिए। यहां पर एक और शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को कंट्रोल यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तरलता, तरलता को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है रेपो रेट को घटाया और बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे तरलता का तात्पर्य क्या है, तरलता से तात्पर्य उस विशेषता से है जिससे किसी भी जो है प्रतिभूति को कैश में चेंज किया जा सकता है, यानी कि किसी भी जो है पेपर की, किसी भी जो है शर्त की, किसी भी माध्यम की वह विशेषता जिसके द्वारा उसे बिना किसी क्षति के नगद में चेंज किया जाता है उसे लिक्विडिटी कहा जाता है। और मुद्रा जो है सबसे ज्यादा नगद पाया जाता है इसलिए मुद्रा जो होती है वो सबसे ज्यादा तरल होती है। तो कहने का तात्पर्य यह इसको सीधा सीधा समझा जाए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए जो है रिपो रेट का जो प्रयोग किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में
एक नियंत्रण बनाया जा सके, एक संतुलन बनाया जा सके, एक सामान्य गति से अर्थव्यवस्था विकास के उच्च स्तर और दिशा में जो है आगे बढ़ता रहे, इसलिए जो है रेपो रेट को घटाया बढ़ाया जाता रहा है। आपने देखा होगा कि COVID-19 की परिस्थितियां पिछले 2 वर्षों में बहुत ही तीव्र गति से पूरी अर्थव्यवस्था को जो है प्रभावित किया, न केवल जीवन को बल्कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए अन्य अनुषंगी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। तो ऐसी स्थिति में अभी भी हम अगर इकोनॉमी में देखें तो COVID-19 के जो दुष्प्रभाव हैं वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है अभी भी उसकी मार जो है अर्थव्यवस्था पर जो पड़ी थी उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, और अभी भी COVID-19 के केसेस भी लगातार ट्रेसेस हो रहे हैं अलग अलग जो है शहरों में, जो कि उसके आंकड़ों में देखने को मिलती है। तो एक बहुत बड़ा कारण और रीजन रहा कि COVID-19 ने पूरी अर्थव्यवस्था को जो है प्रभावित किया, इसलिए भी जो है रेपो रेट को समय समय पर जो है बढ़ाया जाता रहा और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने के लिए उसमें परिवर्तन किए जाते रहे। पिछला एक महत्वपूर्ण कारण इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध। देखिए यहाँ पर एक चीज और समझना आवश्यक है कि जब इकोनॉमी जो है ग्लोबली कनेक्ट होती है, जिसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण इसको कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाती है, और पूरी दुनिया में किसी भी स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उससे जुड़े हुए देश पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब ये एक ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई होती है, और एक देश से दूसरे देश, या यूं कहा जाए कि एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में श्रम, पूंजी और वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जो भी टैक्सेस होते हैं उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, और इस बात को लेकर के भी विकसित और विकासशील देशों के बीच में तनाव बना होता है कि जो है फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन फ्री इकोनॉमी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जो है विकासशील देशों की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर फ्री कर दिया जाता है तो यहाँ के उद्योग धंधे जो है प्रभावित दुष्प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहां पर पूंजी और तकनीक उस स्तर पर नहीं होता है जैसा कि विकसित देशों में होता है, इसलिए इसको प्रभावित होता है। तो मैं थोड़ा सा वैश्वीकरण को भी समझा दिया, यद्यपि यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा संदर्भ नहीं है, केवल रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे कितना प्रभावित किया, इस बात को जो है बताने के लिए इस चीज़ को बताया गया। रसिया बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, एक बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला, एक बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों वाला देश है, इसलिए उसकी उसके स्तर पर लिया गया निर्णय या उसके स्तर पर घटित होने वाली कोई भी घटना कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो है प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे जो है रीजन रहे हैं जिससे जो है अभी तक RBI के द्वारा लिए गए रेपो रेट के वृद्धि में यह सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंचने वाले रेपो रेट की जो है वृद्धि है, और ये जो है कुल मिलाकर के पहुंच जाता है 5.90, जो कि पिछले 3 वर्ष का जो सर्वोच्च स्तर है। इसलिए जो चूंकि बहुत ही डिफरेंट इसमें स्टेटस और सिचुएशन बन रही है रेपो रेट की, तो इससे संबंधित सवाल भी पूछे जा रहे हैं और उससे इंटरकनेक्टेड चीजों को समझना आवश्यक है। तो ये कुछ रीजन है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, जैसे जब रेपो रेट बढ़ जाती है तो चूंकि वह दर होती है जिसपे वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि ऋण महंगा हो जाता है। ऋण जब महंगा बैंकों को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वह आम लोगों के लिए जो लोन देंगे, छोटे उद्योगों के लिए जो लोन देंगे वो महंगा हो जाएगा। इस आधार पर जो है सभी चीजें जो है प्रभावित होंगी, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, ये सारे जो है महंगे हो जाएंगे। आपको उसी अमाउंट के लिए जो है उतने ही किस्तों की EMI ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो रेपो रेट के बढ़ने के कारण से जो लोगों पर पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आज के जो इस खबर में जो बातें आई थी उस बात को देखते हुए रेपो रेट को समझना आवश्यक था, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन की RBI की जो एक्टिविटी और इकोनॉमी के बारे में एक महत्वपूर्ण समझ आपके स्तर पर जो है विकसित करता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जो जानकारी थी जिसे आपको हमने शेयर किया, और आपसे अपेक्षा है कि इस तरीके की जो जानकारियां हैं उसको माइंड में रखिए, इससे आपकी इकोनॉमी के बारे में बेहतर समझ पैदा होगी। और मुख्य परीक्षा के स्तर पर चाहे कोई सवाल टिप्पणी के रूप में आता है या इंटरव्यू के समय पूछा जाता है या प्रीलिम्स के जो है पेपर में भी इससे सवाल जो पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पुनः अगले इसी तरीके के संक्षिप्त लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।